आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल में सिटी फूड सीक्रेट में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बनाया मज़ेदार सा मटर कीमा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बेहद टेस्टी बनता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे कैसे बनाते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 2 अदद दालचीनी के पीसेस, 1 अदद बड़ी इलायची, 1/2 किलो कीमा लिया हम लोगों ने, बीफ का लिया, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं, 2 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 अदद बड़े साइज़ के टमाटर का छिलका उतार कर इन्हें बारीक बारीक काट लिया, 1 अदद बड़े साइज की प्याज, 1 पाव मटर, इसे हमने पहले से ही बॉईल कर लिया। चले अब इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर प्रेशर ले लिया, इसमें कीमा डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज, टमाटर, पाउडर मसाले और खड़े मसाले, 1/2 गिलास पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढक्कन बंद करेंगे। और तकरीबन 10 से 12 मिनट इसे हल्की आंच पर कुकर प्रेशर में गलने देंगे। टाइम पूरा हो गया, अब चूल्हा बंद करते हैं और वेट हटा लेंगे। स्टीम निकल चुकी है, अब इसका ढक्कन खोल लेते हैं। कीमा हमारा बिल्कुल गल चुका है, अब इसमें थोड़ा सा पानी है, चूल्हा ऑन करके इस पानी को खुश्क कर लेते हैं। कीमे का पानी खुश्क हो गया, अब इसमें ऑयल डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच ऑयल का डाल दें और इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। ज़बरदस्ती कीमे की खुशबू आना शुरू हो गई है, कीमा अच्छी तरीके से भून गया, अब इसमें मटर डालेंगे। मटर पहले से ही बॉयल है तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके एक से दो मिनट के लिए हल्की आंच में दम देंगे। 1 मिनट हो गया, ज़बरदस्त सा मटर कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए से, हरी मिर्चों से। चूल्हा बंद करते हैं और इसे डिश आउट कर आपको दिखाते हैं। जी व्यूवर्स, हमारा मज़ेदार सा मटर कीमा बिल्कुल रेडी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी और बेहद टेस्टी बनता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।